अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महजुबीन आबिद। आज है 2021 का आखिरी दिन, 31 दिसंबर 2021। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो रोज प्रोग्राम देखते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपने नाश्ता भी कर लिया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और न्यू ईयर प्लान्स की तो हम बात करेंगे ही, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की हमने कल भी बात की थी कि कैसे अपने गोल्स को हमने डिफाइन करना है, कैसे हमने अपना टारगेट अचीव करना है। पहले तो हमें डिफाइन करना है कि हमने अचीव क्या करना है। और दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, वो तो इज्जत मंतशा वो तो जिलो मंतशा। तो ख्याल करें एक दूसरे का, और एक दूसरे के बारे में नेगेटिव कॉमेंट्स जो है वो ना पास करें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक हिस्सा है, जरूर करें, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप तनकीद ही तनकीद करते जाएं और सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें। कुछ अपना भी ख्याल करें, कुछ अपने इर्द गिर्द लोगों के जज्बात का भी ख्याल रखें। ये वक्त की जरूरत है। तो अगले साल में हम एंटर होने जा रहे हैं और एक नया फेज शुरू होने वाला है, तो आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा और इसी तरह मैंने भी बहुत कुछ सोचा है। तो बेहतर यही होगा कि हम अपने गोल को इस हिसाब से सेट करें कि हमने एक बेहतर इंसान बनना है और किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना। इस खूबसूरत से पैगाम के साथ, खूबसूरत सी बात के साथ आज के शो का आगाज करते हैं। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फहद, वेटरनरी फिजिशियन एंड सर्जन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। क्या जैसी मेरी एनर्जी है आपकी भी वैसी एनर्जी है या नहीं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है। सफर का, रात का सफर था मेरा। ओके, उसकी थकावट हुई है। तो यू हैव बीन ट्रैवलिंग? यस। ओके, चलें, अब आप आ चुके हैं, बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाएं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इससे पहले भी आप आ चुके हैं तो अब तो आपको आदत हो गई होगी। ठीक है जी। दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अशरफ, एथलीट हैं, और बाकी जितनी भी इनके जो करियर जर्नी है और जो भी इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो हम आपके सामने रखेंगे, इन्हीं से बात करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मैडम, मैं ठीक हूं। बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर मौजूद है, और बहुत सारी चीजें जो हमने आपसे जाननी है आपके करियर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड। थैंक यू, आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। थैंक यू। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने आप आते रहे हैं, आप आएंगे और आप आगे भी आते रहेंगे। तीसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद खालिद जट साहब, अदाकार हैं और 35 साल से शोबिस से वाबस्तगी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। चलें, बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पर देख के, आपको यहाँ पे पाके। बहुत सारी चीजें आपसे भी हमने डिस्कस करनी है, बहुत सारी बातें करेंगे। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें आज हमें सीखने को मिलती है और क्या क्या चीजें हम जानेंगे हमारे आज के गेस्ट से। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानेब, आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी बात बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की अच्छी बात, मुख्तलिफ बीमारियों से शफा के लिए दुआ। एक तरफ हम शफा हासिल करने के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ आयात मुबारका और अहादीस मुबारका में हमारे लिए तालीम है कि हम उन्हें पढ़कर अपने लिए शफा हासिल करें। ये बीमारी बुनियादी तौर पे अल्लाह वाहदहु ला शरीक की तरफ से इंसान को लाहिक होती है, और जब अल्लाह की तरफ से बीमारी आती है तो फिर हमें अल्लाह के हुजूर ही दुआ करनी है कि ए परवरदिगार, मेरी बीमारी को ख़त्म फरमा दीजिए। जैसे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी मस्यन दुरु, ए अल्लाह मुझे तकलीफ ने आ लिया है, वह अंता अरहमुर राहिमीन, और तू ही बेहतरीन रहम फरमाने वाला है, तू मेरी बीमारी को दूर करने वाला है। इसके साथ साथ हम ये दुआ भी बीमारी से शफा हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, अल्लाहुमरफा, ए परवरदिगार दूर फरमा दे अन्नल बला वल वबा, कि हमसे परेशानी को और वबा को दूर फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का अमल मुबारक था कि आप जब भी किसी मरीज के पास तशरीफ ले जाते तो आप दाएं हाथ से उसके दर्द की जगह पर फेरते और आप ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुमा रब्बन नासी अजहिबिल बास वश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अन ला युगादिरु सकमा, ए परवरदिगार आप लोगों के रब हैं, आप
तकलीफ को दूर फरमाने वाले हैं और आप शफा देने वाले हैं और आप ही बेहतरीन शफा देने वाले हैं, ऐसी शफा जो किसी भी किस्म की बीमारी को ना छोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इस दुआ को हमें बीमारों की तीमारदारी के वक्त पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, आज भी हमने हमेशा की तरह हसब मामूल एक नई बात सीखी। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक। आप तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और एक और खूबसूरत सी बात वो ये कि आज का आउटफिट भी है ग्रे वुमेन की जानिब से, और हमेशा की तरह आज का ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, दिस टू पीस इन व्हाइट कलर और साथ ही बहुत ही खूबसूरत सी वेलवेट की शॉल जो कि मौसम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तो आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट सर्च कर सकते हैं, ग्रे वुमेन ऑफिशियल के नाम से है, और जो भी आपको आर्टिकल्स पसंद आते हैं वो आप आसानी खरीद सकते हैं। सो थैंक यू ग्रे वुमेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो, और हमारा साथ देने के लिए हम साथ साथ हैं। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं, डॉक्टर फहद हमारे साथ मौजूद हैं, वेट हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आपसे जाननी है, बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू कैट्स स्पेशली। मैंने सुना है कि आप खुद भी पेट ओनर हैं, तो आपके पास क्या है? पहले मेरे पास डॉग्स थे, अब कैट्स भी रही हैं घर में, अब आजकल मैं बर्ड्स पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो बर्ड्स पे शिफ्ट हो गए हैं, माशाल्लाह घर का माहौल तो काफी खूबसूरत लगता है। पेटिंग सुबह सुबह जो है आवाज सुनने को मिलती है, बड़ी दिस इज रियली ब्यूटीफुल। तो बस पता ही तब लगता है जब आंख खुलती है और आवाज आ रही होती है कि सुबह हो चुकी है। हाँ, सुबह हो गई है। फजर के वक्त जो है बहुत ही एक अपने आप को भी अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। सो द लव फॉर एनिमल्स इज कॉन्स्टेंट, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, और ये कभी जो है वो कम नहीं होना चाहिए। और ये मैसेज भी आवाम तक जाना चाहिए कि जानवरों का ख्याल रखें, उस मखलूक का ख्याल रखें जो डिफेंसलेस अपना दिफा नहीं कर सकते। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ इंसानों के साथ अच्छे पेश आते हैं, पेश आना भी चाहिए, तो जानवरों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। सो कमिंग टू द पॉइंट, आपने कहा कि पहले आपने डॉग्स रखे, देन कैट्स, एंड नाउ यू हैव शिफ्टेड टू बर्ड्स। तो सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग आपकी किसके साथ रही? देखिए, बॉन्डिंग सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट है वो डॉग्स करते हैं एनिमल्स के साथ। कैट्स लव फॉर द फूड नॉट फॉर द यू, बट द डॉग्स लव्स यू नॉट फॉर द फूड। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जो मोहब्बत होती है ना वो बिल्लियों से ज्यादा होती है, बट वी डोंट गेट बैक दैट इन रिटर्न। एफिलिएशन नहीं हो जाती, वो डॉग्स जो है वो एफिलिएटेड होते हैं, और बर्ड्स बेचारे तो वैसे बड़े मासूम होते हैं, उनको नहीं पता कि हम ऑलरेडी वो केज बर्ड होते हैं, तो उनके साथ अटैचमेंट उस तरह नहीं होते। बट कुछ बर्ड टेम्ड हैं जैसे पैरट्स हैं, तो वो आपके साथ अटैच हो जाते हैं। हाँ, वैसे मेरे तो अभी जिंदगी का सबसे बड़ा इशू जो है ना वो यही है कि जो मोहब्बत मैं अपनी बिल्लियों से करती हूँ वो वापस मुझे वो मोहब्बत नहीं दे रही। सो द लव वी हैव फॉर कैट्स इज अनकंडीशनल, तो हमें वो मोहब्बत वापस करे ना करे हमने उनसे मोहब्बत करनी है, जरूर करनी चाहिए। तो बॉन्डिंग अच्छी रहती है उनके साथ, एक अच्छा माहौल डेवलप हो जाता है घर में, एक अच्छा सा एनवायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ होता है। तो आपके पास कौन सी कैट्स रही है? मेरे पास पर्शियन रहे हैं, साइमीज हैं, बस यही जो पर्शियन एंड साइमीज। ठीक है, तो हम बात करेंगे कैट्स से रिलेटेड जो जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी डिजीजेज हैं, जो कॉमन डिजीजेज हैं, और अवाम को, लोगों को जो उनको ओन करते हैं उनको अवेयरनेस नहीं है कैट्स से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनकी, हम उन पर आज बात करना चाहेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक के कॉमन डिजीजेज कौन सी हैं आजकल करंटली? मैम, कॉमन डिजीजेज तो बहुत सारी चल रही हैं जिसमें वायरल भी हैं। सबसे पहले जो है मैनेजमेंटल प्रॉब्लम आते हैं जो ऑनर्स लेकर आता है। अगर किसी ब्रीडर से लाते हैं तो वो कुछ असेंबली भी कैट्स होती हैं, फिर दे बाय फ्रॉम द मार्केट, तो उसकी कंडीशन बहुत बहुत बुरी हालत में होती है। तो वो पेट ऑनर लेके तो आता है, बट उसके बाद वो चेकअप या कंसल्टेंट जो भी बैठे उसको चेक नहीं कराते, नहीं करवाता। तो वो एकदम एनिमल्स एक एनवायरमेंट से घर में आता है तो उसकी चीजें बहुत सारी चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले आप जब जो भी पेट लें किसी भी कंसल्टेंट वेटनेरियन या फिजिशियन को चेक करें वेट को, ताकि वो प्रॉपरली आपको गाइड कर सके। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स कैट्स में जो बाहर से लेके आते हैं, जो शॉप से लेकर आते हैं, उनमें ये होता है कि वो एक तो बहुत गंदी होती हैं और स्मेल आ रही होती है, दूसरा उसके साथ साथ उनके एयर्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं, एयर माइट्स का इशू बहुत ज्यादा, एयर माइट्स का बहुत इशू होता है। उसके साथ साथ रनिंग आयस का प्रॉब्लम है। मोस्टली जो पर्शियन कैट्स हैं जो पंच फेस्ड हैं या सेमी पंच फेस्ड हैं, बेसिकली जो है ना उनके आई बॉल्स स्केल से बाहर होते हैं, जिसकी वजह से वो आया प्रॉब्लम रनिंग आया प्रॉब्लम रहता है। बेकस फैले के हैं तो उनका जो है ना वॉटरी रहती है, तो वो इशू है। अगर वो ज्यादा बढ़ता रहे तो दैट विल कॉज कॉर्नियल अल्सर और इट्स लीड टू आई डैमेज। तो हमारे ऑनर नहीं करते, वो आंख बह बह के यहाँ से सारे का सारा आप देखें कभी काला होना शुरू हो जाता है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। आय बड़ी सेंसिटिव है और गन है, इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो आय एयर इन्फेक्शन है, एयर माइट्स है, वो हमें भी लगते हैं, हम उसको फील नहीं कर रहे होते। बेसिकली ऑनर देखने वाला जो है
वो ये समझते कि कानों में मैल है जी, जब वो मैल नहीं होती देर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स जो नजर नहीं आ रहे होते आंखों से, बट अगर आप क्लीनली ऑब्जर्व करें हम आंख से भी देख सकते हैं उनकी मूवमेंट्स तो वो नजर आ रहे हो, तो उसके एयर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और अगर वो आपके पेट के एज में मुसलसल कॉन्स्टेंटली रह रहे हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देंगे, वो दिखाना ईट ऑन द स्कैन स्लफ करेंगे, फिर नीचे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्क्रैच करता रहता है एनिमल जिसकी वजह से जख्म शुरू। तो मेजर साइंस क्या है, हमें कब पता लगेगा कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है? पता लगना वैसे भी चाहिए क्योंकि जब आप चेक करते हैं अपने पेट को, अगर आप प्रॉपरली ग्रूम करेंगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि ये मेजर प्रॉब्लम, अगर नहीं भी है तो स्टार्ट होने का बेसिक इश्यू यही है। आप उसको प्रॉपरली ग्रूमिंग करें, ब्रशिंग करें, उसकी बात करें उसको, वो चीजें देखेंगे आप, एयर चेक करें, आयस चेक करें, ये देखेंगे तो आपको आपका एनिमल जो है आपकी कैट है वो हेल्दी रहेगा। अगर ये नहीं देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और इससे इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लीडिंग और कानों का बहने से एनिमल ऑफिड हो जाता है, इट लीड्स टुवर्ड द जॉन्डस, ठीक है, और उसके जो है और उससे वॉमिटिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट होते हैं जो हम मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, जो मैनेज नहीं करते, जो भी क्लीनिंग है बेसिकली, अगर उसका ख्याल रखा जाए तो बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है। ठीक है, हम रिलेटेड टू कैट्स आज बात कर रहे हैं कि कैट्स में, बिल्लियों में, पर्शियन में या जो भी ब्रीड है, क्या इश्यूज देखने में आते हैं और वो इश्यूज जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं और इग्नोर नहीं करना होता, उस बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फहद से जो कि वेटरिनरी फिजिशियन है और सर्जन है। तो बात रहेगी, बात चलेगी और बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मूविंग टू राणा मोहम्मद साहब, आप ठीक ठाक है ना? जी जी मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ठीक है, चले अब आप जरा मुझे इन डिटेल बताएं कि आपका ये जो करियर है, ये जो सारा काम है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? मैडम मुझे बचपन से शौक था स्पोर्ट्स में, तो मैंने प्राइमरी लेवल से स्टार्ट किया और हाई स्कूल में जहानिया से पढ़ा, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैंपियन रहा, फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया में बेस्ट एथलीट रहा 4 साल, उसके बाद बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मूव किया, वहाँ पे हमने इंटर कॉलेजिएट इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन किए, तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी की बेस पे चाइना में स्कॉलरशिप मिली, माशाल्लाह। तो अब चाइना में सर ये कंटिन्यू है, अब वापस कोविड की वजह से आए हुए हैं जैसे सब लोग आए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्तान में प्राइवेट सेक्टर में एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर हूँ, तो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों हम की आपके साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पहले ही इतनी डूबी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि क्रिकेट के अलावा और स्पोर्ट्स भी तो होनी चाहिए। तब भी हम हॉकी के चैंपियन थे, कोई हमारे साथ खेलने को तैयार ही नहीं था, कहते थे पाकिस्तान तो किसी से भी नहीं हारेगा, वर्ल्ड के चैंपियन थे। आज हमारा हॉकी का हाल क्या है कि हम अपने जूनियर टीम भी नहीं हम भेज सकते, सीनियर टीम तो क्या भेजें, तो इतना बुरा हमारा हाल है। सिवा क्रिकेट के अलावा गवर्नमेंट किसी और खेल पर तवज्जो दे ही नहीं जा रही। कबड्डी हमारा देखें इतनी अच्छी टीम थी, रेसलिंग देख लें तो हमारा हाल बहुत बुरा है। पंजाब भर में आप चैंपियन रहे रेसलिंग में, रग्बी में, वेट लिफ्टिंग में, तो इतनी सारी चीजों को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज किया? मैडम अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी टैलेंटेड लोग, सारी गेमें, एथलीट जो होता है ना वो सारी गेमें कर सकता है, हर गेम कर सकता है। जी जी 100-200 का मैं स्प्रिंटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटी कॉलेज मेरा रग्बी, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, कुश्ती, देसी कुश्ती, कबड्डी, एशियन स्टाइल, ये सारी इंटर यूनिवर्सिटी हमने पार्टिसिपेशन किया है BZU की तरफ से। कभी हम लाहौर का टूर कर रहे हैं, कभी इस्लामाबाद, तो कभी मरी की सैर कर रहे हैं, स्कॉट्स का भी ये भी हमने कोर्स किया है BZU के प्लेटफॉर्म से। तो काफी स्पोर्ट्स ने हमें प्रमोट किया है, तो हम फिर क्यों ना स्पोर्ट्स की बात करें। बिल्कुल, आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो स्पोर्ट्स की वजह से ही, अपने काम की वजह से, अपने स्किल की वजह से, तो अब स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है तो आप आगे आगे हैं और हम आपके साथ हैं। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको हमने जिसकी प्रमोशन के लिए काम की जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम खेलों के सिस्टम की अगर बात करें, इस पूरे निजाम की बात करें, आपने बोला बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो क्या बेसिक चीजें जिन पे फोकस किया जा सकता है और इस सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। हमारे यहाँ जो फेडरल मिनिस्टर हैं या वो सिवाई मिनिस्टर है, उन्हें हाउ ना इन स्पोर्ट्स है क्या, तो जब उन्हें इन तरह के ओहदे दिए जाएंगे तो स्पोर्ट्स कहाँ से हमारी प्रमोट होगी? अब जितने भी यूरोपियन कंट्री है या फॉरेन कंट्रीज है, उनमें जिसकी जो फील्ड होगी उसको उसी चीज का मिनिस्टर बनाया जाएगा, स्पेशली जैसे एजुकेशन है या स्पोर्ट्स, ये हमारे बहुत रीढ़ की हड्डी हैसियत रखते हैं हमारे ये दोनों अदारे, तो इनको जब हम इन पे सही तरह के आदमियों को नहीं लगाएंगे तो कैसे स्पोर्ट्स प्रमोट होगी?
हमारी मेडल मिनिस्टर है हमीदा मिर्जा, उसे क्या पता स्पोर्ट्स क्या चीज है। तो अभी इतना बुरा रिजल्ट है हमारा ओलंपिक में, हम एक गोल्ड मेडल लेके नहीं आए। नेपाल देख ले, बांग्लादेश देख ले, इंडिया देख ले, ये छोटे कंट्री, उन्होंने हमसे ज्यादा सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत आगे इंडिया मैडम हर गेम में पार्टिसिपेशन कर रहा है, चाहे वो बैडमिंटन हो, रेसलिंग हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, हम जस्ट ओनली फोकस क्रिकेट पे। तो अब आजकल करंटली क्या चल रहा है आपकी जानिब से? तो मेरी जानिब से मैडम मैं एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर हूँ। ओके। तो मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में चाइनीज लैंग्वेज का टीचर भी हूँ। अच्छा। तो मैंने चाइना से चाइनीज लैंग्वेज भी सीखी है, तो मैं तो स्पोर्ट्स पे काम कर रहा हूँ जितना हमारा हिस्सा है, एंड हम इंडिविजुअल लेवल पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल लेवल पे बजट इंक्रीज करें, बजट है ही नहीं है, स्कूलों में चले जाए हेडमास्टर के पास वगैरह, गवर्नमेंट हमें बजट ही नहीं दे रही। जितनी भी नर्सरी हम तैयार करेंगे स्कूल लेवल से तैयार होगी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे टैलेंटेड लोग, ये हमारे अमर सेल, ये शायद अफरीदी, ये जितने बड़े बड़े स्टार हैं ये स्कूलों से निकले हैं, बिल्कुल ये यूनिवर्सिटियों से नहीं मिले, ये स्कूलों से निकले हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये जितना भी काम है वो स्कूल से स्टार्ट करें, स्कूल लेवल पर इसको स्टार्ट करें, इनिशिएट करें और उस पर काम करने की कोशिश करें। तो आज से 15-20 साल पहले मैडम ऐसे ही होता था, आपने देखा होगा कि स्कूलों में कितने कॉम्पिटिशन होते थे, बिल्कुल बिल्कुल बड़े लोग खेलने के लिए डिफरेंट स्कूल आते थे एक में, तो अब नहीं है वो स्टैंड। अभी रिसेंटली स्कूल ओलंपिक्स हुआ तो वो भी काफी अच्छा रहा, फीडबैक काफी अच्छा रहा। अभी कामयाब नौजवान यूथ, कामयाब जवान जी जी, इमरान खान इस्लामाबाद में कराया, तो अच्छा ये काम है। अब इसलिए एक और होने जा रहा है 24 से 27 जो शेड्यूल आया है पंजाब का, वो भी 18 से 25 साल की एज में डिफरेंट गेम्स हैं, तो इस तरह के इवेंट होंगे तो नौजवान जो गाँव में लोग रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, बिल्कुल, तो उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैडम वो बहुत आगे निकलते हैं। प्रोवाइड करने की जरूरत है। एक गांव से उठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम बीजिंग तक पहुँच गए, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमने वेल की। आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं बेसिकली 158 WBC हूँ, तहसील महल से, गाँव से बिलोंग करता हूँ, बड़े एरिया से। हमें पता ही नहीं था हाउ ना हो कि हम बीजिंग में पहुंचेंगे और हम BZU में पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, कभी सोचा भी नहीं था ऐसी चीजें। तो बात वहीं पे आती है कि इंसान को जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वो आगे नहीं आ सकता। पैशनेट होना जरूरी, जरूरी है। आप डिफाइन करें, आप अपने आप को ये समझाएं, बताएं कि मैंने ये करना है, उसके बाद रास्ते खुद आ जाते हैं, बन जाते हैं। यू मेक योर वेज और फिर आप जो है वो यू कैन डू वंडर्स। हम इस पर बात करते हैं इन डिटेल, जो भी मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं और क्या क्वालिटीज होती हैं एक एथलीट में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इन डेप्थ बात करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर स्पोर्ट्स, हम इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खालिद जट साहब जो कि आगा माजिद 2 के नाम से जाने जाते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है ना? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप सुनाए, ठीक? हम बिल्कुल ठीक, आपको यहाँ पर देख के वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। थिएटर की हमें बात करनी है, ड्रामा की बात करनी है, करंटली क्या चल रहा है जिंदगी में ये तो आप सबसे पहले हमें बताएं। करंटली तो ये है कि मैं एजुकेशन से रिटायर हूँ और जो रिटायर बंदा होता है मेरे ख्याल वो काफी अहमियत का हामिल होता है, वो काफी खूबियां होती है उसमें, वो बहुत कुछ सीख चुका होता है। बिल्कुल, बहुत आगा माजिद साहब ने एक मोटरसाइकिलों की कॉर्पोरेशन बनाई हुई है तो वो भी मैं चला रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह थिएटर है या वो है। 35 साल से, पिछले 35 सालों से आपकी जो शोबिज से वाबस्तगी है, तो ये सफर कैसा रहा? सफर तो बहुत अच्छा रहा, सोचना पड़ा सोच मत गए आप। सोचना इसलिए पड़ रहा है कि आप अब जो आगे आ रही है ना नई जनरेशन, उनके लिए बड़ी ना मुश्किल हालात है। अब वो सामने राय नहीं, राइटर का वजूद खत्म कर दिया गया, उसके बाद डायरेक्टर का वजूद खत्म कर, डायरेक्शन तो है ही नहीं ड्रामों में आजकल, बस चंद एक जगह पे है अभी। बहुत से ऐसे नाम है जैसे यूसुफ कामरान है, जाज चंदा, यजवार फरोज साहब है, वो ड्रामे की तरफ पूरी तवज्जो देते हैं, लेकिन वो क्या करें जब एक एक्टर रिहर्सल के लिए टाइम नहीं देगा, तो मेरा ख्याल है फिर ड्रामा कैसे तैयार होगा, अपना बेस्ट नहीं दिया जा रहा। अभी देखिए ना, ये पिछले दिनों मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में ये ड्रामा फेस्टिवल हुआ खबे के साथों से, तो उन्होंने फिर बड़ा अच्छा किया और मेरा ख्याल है उसकी 15-15 दिन की 20-20 दिन की रिहर्सल हुई है और पब्लिक ने देखा, बहुत बहुत रश लिया उन ड्रामों ने, वो ड्रामे अच्छे तैयार किए गए थे, लोगों ने देखे हैं और मेरा ख्याल है कि इस दफा हमारा ड्रामा भी विन हुआ फेस्टिवल में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब तक कोई भी काम है ना उस पर पूरी तवज्जो नहीं दी जाएगी ना वो काम नहीं होगा। तो
सकते हैं, हमारे हाथ हमारे साथ भी ऐसा ही है। एक तो है काम करने वाले भी हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर 8 दिन की 10 दिन की ड्रामे की रिहर्सल, पहले होता था ऐसे 15-15 दिन की रिहर्सलें हमने की हैं, अब 2 दिन की रिहर्सल रह गई है, तो फिर कैसे अच्छा ड्रामा तैयार होगा। ये तो आगे मैं हैरान हूँ कि आगे कोई भी नया टैलेंट या नया लड़का इस तरफ आ ही नहीं रहा। उनकी कोशिश होती है कि नहीं कि और तरफ चले जाएं, मुआवजा बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। खासतौर पर जो ड्रामा बोलने वाले हैं, जब फेस्टिवल होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है तो फिर कहते हैं जी कि वो कोई ड्रामा बोलने वाला, कोई लाइन नहीं बोलने वाला एक्टर जो है ना वो सामने आए। उस वक्त हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ जाती है। और बहुत हमारे मुल्तान के फहद अमान बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो बहुत अच्छा एक्टर है और आपको बहुत अच्छा कॉमेडियन भी साबित कर दिया। बिल्कुल। और ड्रामा भी बहुत अच्छा बोलता है, वेरी गुड है, लेकिन उसने अपना ट्रैक चेंज करके ना मेरा ख्याल बहुत अच्छा किया। अब उसकी वैल्यू भी ठीक है, अब उसके पैसे भी ठीक है। ये चीज मैटर करती है, हम जितना मर्जी आगे चले जाएं हम बेसिक चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। ये पैसा और जो आपको पे किया जाता है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस बारे में बात नहीं करते। तो हम इस पर आते हैं, हम आते हैं इस पे। और नौजवानों के लिए ड्रामा थिएटर से रिलेटेड क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उनको क्या चैलेंजेस हैं इन फ्यूचर, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में डॉक्टर फहद हमारे साथ मौजूद है सेगमेंट में और इनसे हम बात कर रहे हैं कैट्स से रिलेटेड जो भी कॉमन डिजीजेस हैं उनके बारे में, कैसे अवेयरनेस पैदा की जा सकती है, उनका इलाज क्या है और प्रिवेंशन क्या है, वो ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि हम अपना सकते हैं अपने पेट्स से रिलेटेड। लेकिन अब हम बात करते हैं कैट्स की फीड, खाना। एक चीज सर्कुलेट करती है कि कैट्स को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जी हाँ, वो बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वो जो मिल्क एसिन है वो डाइजेस्टेबल नहीं है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैट्स, इवन फॉर द डॉग्स। इनको नहीं करती है, जस्ट फिल द स्टमक, रिक्वायरमेंट्स नहीं है इनकी। देयर बेसिकली कार्निवोर्स, ठीक है, गोश्त दें, चिकन दें, फिश दें, मीट दें, बट बॉइल्ड दें, रॉ चिकन या मीट दे सकते हैं वंस इन द ब्लू मून, हफ्ते में एक दफा दें, ठीक है, ताकि वो चूजी ना रहे। कैट फूड में आप मोस्टली जो है एग वाइट भी दे सकते हैं बॉयल करके, बट नॉट योक, कोई भी चीज को अवॉइड करें कच्चा देने के से। एक दफा या दो दफा जरूर दें ताकि उसके अंदर वेट फूड की थोड़ी सी जो डिजायर है वो पूरी रहे। उसके अलावा आप कैट फूड्स डिफरेंट ब्रांड्स के, जिनके पास टाइम नहीं है इतना बॉदर नहीं कर सकते, और डिफरेंट वैरायटीज के फूड्स अवेलेबल हैं, बट ये कोशिश करें कि उसको पैसों के साथ जो है ना कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट यूज करें ताकि आपका हाइजीन और हेल्थ मैटर करती है कैट की, तो वो डिस्टर्ब ना हो। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कि यूरिन प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ब्लॉकेज आ जाती है, किडनी स्टोन्स कॉज करते हैं, तो वो उन चीज़ों से अवॉइड किया करें। और कोशिश करें कि कोई कॉम्पिटेंट वेट हो जो आपको गाइड कर सके। फूड ब्रांड्स तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बट उनके इंग्रेडिएंट्स का ना शॉपकीपर्स को पता होता है, ना क्वालिटी का पता होता है, दे जस्ट वांट टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वेट शुड नो व्हाट द कंपोजिशन इज, व्हाट द एनर्जी लेवल, व्हाट द प्रोटीन लेवल्स, व्हाट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी उसके अंदर एडेड होते हैं, कम अज कम एक वेट आपको गाइड कर सकता है कि दिस इज द क्वालिटी प्रोडक्ट, आप कोशिश करें कि उसको यूज करें। नहीं तो बाकी तो आप होम मेड डाइट भी दे सकते हैं, चिकन है, फिश है, उसके अलावा आप जो अवेलेबल है चॉकलेट्स से अवॉइड करेंगे। चॉकलेट से अवॉइड करें, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था। चॉकलेट्स से मेरी बिल्लियां तो बहुत शौकीन है चॉकलेट्स की, ये कैंसर कॉज करते हैं, दे कॉज कैंसर। चॉकलेट्स बिस्किट और चॉकलेट से कैट्स को अवॉइड करें, कैफीन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और सीरियस प्रॉब्लम आते हैं और लिवर इशूज आते हैं। और बाकी जो आप जहां तक कह रही थी कि जो बेसिकली प्रॉब्लम्स कैट्स में डिजीजेस हैं, उसके अंदर आजकल जो ज्यादा प्रिवेल कर रही है वो 2 वायरसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें पेन लिकोपीनिया है और दूसरा कैल्सी वायरस है। कैल्सी वायरस की निशानी ये है कि द ड्रूलिंग ऑफ योर कैट स्टार्ट, माउथ में लीजन्स हो जाते हैं, अल्सरेशन बन जाती है, क्योंकि मोस्टली कैट ऑनर्स को जब भी मार्केट से खरीदते हैं या किसी भी ब्रीडर से खरीदते हैं उनको ये कहा जाता है कि उनकी जो कैट जो वो ले रहे हैं वो वैक्सीनेटेड है, वो 99% वैक्सीनेटेड नहीं होते,
कुछ पेट ऑनर हैं जो आपके अपने अडॉप्शन के लिए दे रहे होते हैं, उन्होंने तो करवा रखी होती हैं, लेकिन मोस्टली कैट्स वैक्सीनेटेड नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो आप अगर वो कह भी देते हैं कि आपके कैट वैक्सीनेटेड है, तो आप फिर भी अपने वेट को दिखा के दोबारा वैक्सीन कराने में कोई हर्ज नहीं है, आप उसको जरूर कराया करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप पैसे बाद में लगाते रहेंगे, आप उसकी हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप उसको अडेप्ट करें। और जो दूसरी पहली कुपीनिया वायरस है उसमें मोस्टली वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन और ये प्रॉब्लम आती है, बहुत आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं। पीस वायरसेस भी हैं, वो भी बहुत प्रिवेल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ रेबीज जो है, रेबीज आजकल ऐसे प्रिवेल तो नहीं करता, बट प्रिवेंटिव क्योर के लिए हम अपने पेट की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि घर में बच्चे हैं, कैट्स के मूड स्विंग्स का पता नहीं लगता, और कुछ कैट्स बड़ी फ्रेंडली होती हैं बट कुछ बड़ी शाय और एग्रेसिव होती हैं। जो एग्रेसिव बिहेवियर की हैं वो अपने आपके अपने ऑनर को, अपने मोस्टली बच्चे हैं वो उठा के गोद में रखते हैं, मुंह के पास रखते हैं, उनको इवन देखते प्यार करते हैं, चूमते हैं, तो वो बार दफा अनॉइड होके स्क्रैश मार देती है, तो वो बड़ा क्रिटिकल बार दफा साबित हाँ। होता है। और कोशिश करें अपने बच्चों को जो कैट लेके दे रहे हैं उसको एक हद तक लिमिटेशन रखें। ठीक है, आप उनको उठा के टाइम दें, ग्रूम करें, प्यार करें, बट उनको ऐसे इतना क्लोज ना करें कि आप अपने फेस के इर्द गिर्द लेके दें, क्योंकि हाँ। कैट जिस वक्त भी स्क्रैच मारती है वो या नेक एरिया पे करती है या फेस पे करती है, तो स्क्रैच नहीं जाते हैं। बहुत प्यारी होती है, मेरे पास खुद भी है, लेकिन बहुत मूडी होती है भाई, बहुत मूडी होती है, उनका पता नहीं चलता। बिल्कुल, आई हैव सो मेनी स्क्रैचेस ऑन माई बॉडी, और ये उनका नतीजा है, उस मोहब्बत का नतीजा है जो मैंने उनसे मोहब्बत की है, और मुझे एंड पर जो है ना वो बेवफाई मिलती है। तो वो उसका इसी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो आपको अच्छे मैनेजमेंटल इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, कैट्स बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन बात हो रही है कि बहुत मूडी होती हैं, तो जरा ख्याल रखें, अपने मुंह का खासकर ख्याल रखें। आप उनसे प्यार करेंगे और उनको आप उनको चूमेंगे, उनको आप हग करेंगे, लेकिन एट द एंड उन्होंने आपको जो है ना वो इतनी जोर से अपना नाखून मारना है कि आपको पता चल जाएगा कि तंग आ जाती है, वो तंग हो जाती है, तंग हो मोहब्बत से तंग हो जाती है। ये मेरे जाती एक्सपीरियंस है, कैट्स जो है वो आपकी मोहब्बत से बहुत तंग हो जाती है एक टाइम आता है। खैर, हम चलते हैं राना मोहम्मद अशरफ साहब की जानब और इंद्रयन के करियर के हवाले से, एथलेटिक्स के हवाले से, और खेलों के इस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से हम जानेंगे आपसे। आप क्या समझते हैं कि क्या क्या काम होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा बजट इंक्रीज होना चाहिए, बजट के बगैर तो हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर ही नहीं सकते। दूसरा कि सारी गेमों पे हमें फोकस करना होगा, ना कि क्रिकेट पे फोकस किया जाए, बाकी भी गेम है जिसमें हॉकी है, बैडमिंटन है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, स्क्वैश है, स्क्वैश के हम चैंपियन रहे हैं। यस, जहांगीर खान हमारा वर्ल्ड का स्टार है, आज हमारी स्क्वैश का बहुत बुरा हाल है। हॉकी में हम चैंपियन रहे, कबड्डी में हम चैंपियन रहे, हर गेम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी टीमें रही हैं। तो रीजन ये बन रही है कि आजकल हमारे जो अहदेदारान है जिनको सीटों पर बिठाया गया वो नाहिल लोग हैं, उन स्पोर्ट्स की हाव ना ही नहीं है, बेसिक तो नहीं पता है, ही नहीं। जैसे फाउंडेशनें बनी हुई हैं हमारी, तो उसमें सारे मोस्टली लोग मैट्रिक पास है, अंडर मैट्रिक है, ज्यादा ग्रेजुएशन होगी उनकी तालीम, मगर वो स्पोर्ट्स का कैरियर उनका एजुकेशन नहीं है। एक स्पोर्ट्समैन और साथ में एक पढ़ा लिखा स्पोर्ट्समैन, दोनों जब मिलते हैं तो स्पोर्ट्स खुद ब खुद ही ऊपर आ जाती है। वो पढ़ा लिखा होता है और पढ़ी लिखी सोच रखता है, वो पाकिस्तान की सोच नहीं रखेगा, पूरे वर्ल्ड की सोच रखेगा कि हमने वर्ल्ड के साथ कंपटीशन। और इसमें मार्केटिंग कितनी जरूरी है? मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है, हमें लोगों को अवेयरनेस ही नहीं दी जा रही। उन्हें एक जस्ट हमारे यहाँ आज की मैं बच्चों को जाके जब बताता हूँ, आई एम डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ प्राइवेट कॉलेज में, मेरे बड़े अच्छे प्लेयर है, हमने अच्छे अच्छे प्लेयरों को एडमिशन दिए हैं फ्री में, 10 रुपए के बोचर पे हमने गर्ल्स बॉयज दोनों को एडमिशन दिए हैं, 88 एडमिशन किए हैं मैंने अपने, अभी मैंने ज्वाइनिंग की है 2 महीने पहले ही मैंने आते सार, मेरे जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे, उसामा कृषि साहब बड़े बड़े कॉपरेटर हैं, बड़े स्पोर्ट्स, वो कहते हैं स्पोर्ट्स को उठाएं, तो उन्होंने कहा करें एडमिशन आप स्पोर्ट्स मैन उठाएं, मैंने गाँव से उठाएं, विहाड़ी से, बूरेवाला से, मियाँ चन्नू, कबीरवाला से, जहां से मुझे अच्छा प्लेयर मिला जिस गेम का भी मैंने उठाया, तो उन्हें इस चीज का उनका क्वेश्चन ये होता है सर हम तो खेलेंगे, वेट लिफ्टिंग भी करेंगे, बैडमिंटन भी करेंगे, रेसलिंग भी करेंगे, कबड्डी भी करेंगे, मगर हमारा स्कोप नहीं है हमारा, तो हम बस हमें जस्ट ये डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पाकिस्तान, हमें इंटरनेशनल टूर नहीं दिए जाते, क्रिकेट में वो कहते हैं कंपटीशन इतना, हर दूसरा बंदा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है,
तो जब सारी गेमों की बात होगी तो टैलेंटेड लोग जरूर ऊपर आएंगे, टैलेंट उठेगा। हाँ ठीक है, एट द एंड हम आपसे बात करेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिक क्या चीजें देखी जाती हैं एक आम आदमी में जो उसको एक एथलीट बना देती हैं। खालिद जट साहब की जानिब हम मूव करते हैं और आपके करियर जर्नी के हवाले से बात हो रही है। अब हम जरा इस पे आते हैं कि कोविड में, कोरोना की वबा में जब पीक पे थी तब तो ये देखने में आया और क्वाइट एविडेंट था, ये बहुत बिल्कुल क्लियर था कि किस किस मसाइल का सामना था फनकारों को, आर्टिस्ट को। अब क्या रिवाइवल की जानिब वापस आ रहे हैं, क्या चीजें बेहतर हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, अब तो काफी बेहतरी की तरफ आ गए हम, लेकिन उन दिनों में जिन मेरे साथी एक्टरों का कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी या कोई ऐसा काम नहीं था उनका कि जिससे कोई और उसकी एक्स्ट्रा आमदनी वगैरह हो, उनके लिए बड़े मसाइल का सामना रहा है, बेचारे बड़े परेशान रहे हैं। यहाँ तक बाद मैंने मेरे साथी फनकारों के घरों में पाकों तक नौबत देखी है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए वैसे कुछ नहीं किया, झूठे दिलासे जरूर दिए, कहते रहे तो काम नहीं किया गया। नहीं, मुल्तान आर्ट काउंसिल में कहा जी पता नहीं हमने 8-10 दफा वो फॉर्म जमा करवा दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो इस काम को सिर्फ एक्स्ट्रा शौक के तौर पर रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपने एजुकेशन से रिटायर हूँ, पेंशन है या मेरे बच्चे भी काम करते हैं, बड़े बेटे ने माशाल्लाह एमसीएस किया हुआ है, वो अच्छे उदय पे काम कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे जो साथी फनकार हैं उनको भी चाहिए कि दिन के टाइम ना अपनी और मसरूफियत साथ रखे, मुल्तान में इतना ज्यादा नहीं है स्कोप नहीं है एक्टरों के लिए, यहाँ हालांकि जितने बड़े नाम है वो यहीं से गए, आप सब लोग साहिमा जी हैं, नीमा जी हैं, ये सारे सिहेल असगर साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आगा माजिद साहब हैं वो भी यहीं से गए, नासिर चनोटी साहब वो भी यहीं से, बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिन्होंने मुल्तान में काम करना है ना वो कम अज कम इसके साथ ना कोई अपना काम जरूर रखे, इसको एक्स्ट्रा रखे, इसको सेकेंडरी रखें। हाँ जी, और मेन चीज आप मेन काम जो है वो प्राइमरी किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाए। हाँ जी हाँ जी ठीक है। अच्छा आजकल थिएटर की क्या सूरत हाल है? थिएटर अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो ठीक है, लेकिन सर्दियों की वजह से कुछ थोड़े से हालात खराब हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। अब बेहतरी की तरफ, ये कोरोना की वजह से ना जो मुश्किल आई थी उनसे हम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, अब काफी बेहतरी की तरफ आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो शो भी काफी अच्छे जा रहे हैं। लेकिन ये जो कोरोना है ना, हमने मेरा ख्याल है कि जितने एक्टर हैं ना उनको तो खासतौर पर मुल्तान के हवाले से बहुत ज्यादा उनको क्राइसिस का सामना रहा है, बहुत परेशानी रही है उन बेचारों को, लेकिन जिनका काम था जो काम करते रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो बड़े नाम है उनको चाहिए कि वो हमारे लिए जो छोटे एक्टर हैं जो बेचारे कुछ नहीं कर रहे उनके लिए कुछ ना कुछ करें, जिस तरह से ऊपर वाले लेवल में बैठे हुए हमारे साथी फनकार उनको चाहिए कि ये छोटे एक्टरों से। अब देखिए ना, एक कोई ले लें आप, गेट कीपर ले लें, बुकिंग क्लर्क ले लें, मेकअप मैन को ले लें, ये प्रोडक्शन बॉय को ले लें, ये सारे जो है ना बेचारे जो घरों में फाके काट रहे थे, बिल्कुल इनके अलावा कोई और कोई उनका काम नहीं था, उनके लिए बड़ी मुश्किल रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए ना कम अज कम कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, कम अज कम उनका कोई वजीफा लगा देते हैं या उनको कोई सपोर्ट करते ताकि उनके हालात बेहतर हो, हालात उनके बेहतर होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमिंग जो ईयर है अगला साल, आपको कोई उम्मीद नजर आती है, आपको कोई पॉजिटिव साइड नजर आ रही है कि कुछ होगा, आप कोई बेहतरी आएगी? पिछले 3-4 सालों में हमें तो कोई बेहतरी इस कोई नजर नहीं आई, नजर आएगी कुछ भी नहीं, मैं तो यही समझता हूँ। बस आपने घबराना नहीं है, जो भी करना है ना वो खुद ही करना है, खुद करना है बस, अल्लाह ताला कोई बेहतरी अल्लाह मुल्क के पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा ऐसा कोई बंदा दे दे जो इस मुल्क को सही रास्ते की तरफ लेके चल पड़े, अल्लाह उनको जो हमारे मौजूदा हुक्मरान है उनको हिदायत दे दे। अब महंगाई का ये हाल है कि आम आदमी बुरी तरह पिस रहा है, ये भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आम बंदे की पहुंच में नहीं है, जैसे ये शौक आप लोगों ने रखे हुए ये आम बंदे की पहुंच में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये आम बंदा तो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपको आगा माजिद 2 के नाम से जो है वो बुलाया जाता है, आप जाने जाते हैं, तो आपको तब कैसा फील होता है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आगा साहब मेरे भाई है,
और मैं समझता हूँ आगम आजिद बहुत अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और ये समझ लें कि मैं तो उनका भाई हूँ, उनके घर का एक फर्द हूँ, उनके साथ ही होता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि आपकी शक्ल आगम आजिद से, बात होता है ऐसा कि कहते हैं कि यार आपके बड़े भाई कब आएंगे लाहौर से, मैं कहता हूँ जब आएंगे आपको मिलवा देंगे। ये कुदरती तौर पे होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि दुनिया में कुछ सात शख्स ऐसे होते हैं जिनकी सपने आपस में मिलती जुलती होती हैं, बस ऐसी कोई बात है, और ना तो कोई ऐसी बात नहीं, वो मेरे भाई हैं, रहेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरे बड़े भाई हैं। चलें ठीक है, हम इस बारे में मजीद बात भी करते हैं और प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे, जो गुफ्तगु चल रही है उसको ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। एक दफा फिर से आपको खुश आमदी देते हैं। रोही एट 10 में कैट्स के हवाले से बात हो रही है, पर्शियन कैट्स और सैमीज, जो भी ब्रीड आपके पास है उनका ख्याल रखें, बिकॉज बहुत सारी डिजीजेज हैं जो आजकल प्रिवेल कर रही हैं, बहुत सारी कॉमन डिजीजेज, कॉमन डिसऑर्डर्स, वायरल भी, जो कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है, डॉक्टर फहद और वेटरिनरी फिजिशियन एंड सर्जन। हम बात करेंगे अब कैट्स की डेंटल क्लीनिंग के हवाले से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। ओरल हाइजीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, एनिमल्स हो, कोई जानदार चीज है। और इसमें ये होता है कि मोस्टली जो बड़ी कैट्स हैं दे आर रेजिस्टेंट, वो आप ब्रशिंग बेसिकली, तो हमें व्हेन दे आर कैटन यंगर स्टेज से उनके ओरल हाइजीन में अगर आप ब्रश नहीं कर सकते तो स्टार्ट आप यू कैन यूज योर फिंगर, ठीक है, आप फिंगर पे सिंपली आप डेंट उसके डेंटल पैड है उसके ऊपर आप उसको रब करना शुरू करें ताकि दे कैन फील, ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो यूज टू हो जाए देन यू कैन यूज अ बेबी ब्रश, ह्यूमन वाला भी यूज कर सकते हैं, उस पर कुछ और नहीं लगा तो खाली ब्रश ही पानी में लिप करके लगा दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी क्वालिटी जिसपे मेंट बहुत थोड़ी अमाउंट में हो आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कैट जो है ना मेंट पसंद नहीं करती, दे कैन थ्रो इट, तो वो आप हल्का हल्का करना शुरू करें ताकि उसकी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि जब अगर हम उस ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं करते, क्लीनिंग डेंटल नहीं करवाते तो दैट ब्लैक जो स्टार्ट हो जाता है, जो मोस्टली जो है ये आपके मोलर्स टीथ जो है उनके अंदर ये जाके डेपोजिशन होना शुरू रहती है, इसमें आपके चिकन्स हैं जो भी रॉ मीट खा रहे हैं या जो भी फूड ले रहे हैं वो डेपोजिट बनने लग जाते हैं, तो दैट मेक अस स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको अगर स्केलिंग प्रॉपरली अगर उसके ऊपर प्लैक इतना क्वांटिटी में अगर जम गया है तो उसको डेंटल पैड बंद नहीं होता, जॉस लॉक होना शुरू हो जाते हैं, क्लोज नहीं होंगे, डूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर उसके प्रॉब्लम साथ है, जिंजिवाइटिस हो जाएगा, ओरल कैविटी एंड हाइजीन जो है ना वो प्रॉब्लम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे जख्म होना शुरू हो जाते हैं, जो आपके गम लाइंस हैं उनमें जख्म स्टार्ट हो जाएंगे। एनिमल जो है कैट जो है वो दे कांट च्यू प्रॉपरली, जब च्यू नहीं करेगी तो वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी या उसको डायरिया लग जाता है, और सबसे पहले जब जानवर ऑफ फीड होता है तो उसका लिवर डिस्टर्ब होता है और जॉन्डिस की तरफ प्रिवेल करता है, तो डेंटल ओरल हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने किसी भी प्रॉपर वेट को चेक करें जो कि उसकी स्केलिंग कर सके, हम फैसिलिटी दे रहे हैं क्लिनिक्स पे ताकि जो प्रॉब्लम है उसे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दफा ऐसे लगता है कि बिल्कुल नीचे से जो जॉ है या जो दांत है वो खत्म हो चुके हैं, बट जब हम उसको क्लीन करते हैं तो हमें पता लगता है कि नीचे अभी देयर प्रेजेंट, हम उसको प्रॉपरली उसको फिर एंटीबायोटिक्स से और बाकी मेडिसिन दे के उसको हम हील कराते हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर वापस लाइफ पे आ सके, क्योंकि ये अगर और इससे अगर आपको ओरल हाइजीन डिस्टर्ब है तो उससे आपकी एनिमल की, आपकी कैट की, आपके डॉग की उसकी जो एजिंग है वो भी बड़ी डिस्टर्ब होती है, आप उम्र कम होना शुरू हो जाती है, तीन साल चार साल के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जो लोग केयर नहीं करते उनकी कैट्स दे कांट लिव फॉर द लॉन्ग, वो पहले जो है उनकी डिटेरियेशन स्टार्ट हो जाती है। कैट की एज कितनी होती है? 10 मोस्टली 10 to 12 years है, 10 to 12 years जी हाँ, मोस्टली जो अगर आप उनकी अच्छी वैक्सीनेशन, अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी मैनेजमेंट रखते हैं दे कैन लिव फॉर द 15 to even 20 years। और न्यूट्रल कराना कितना जरूरी है? देखिए अगर आप न्यूटर बहुत ज्यादा अगर आप तो ब्रीडिंग के पर्पज से नहीं रख रहे हैं, अगर जस्ट यू जस्ट वांट कैट एज अ पेट तो आपको न्यूटर या स्प्रे करवा देना चाहिए। एट व्हाट एज? इट स्टार्ट विद अ 4 to 5 months, मेल में है 6 to 7 months, फीमेल में स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज का ब्रीडिंग सीजन में मोस्टली जो मेल कैट्स हैं दे आर वॉन्डरिंग ओवर देयर, जो स्ट्रे कैट्स हैं
और दे कैन हार्म योर पेट। यस, आपका जो पेट वाला कैट है वो भी बाहर निकल के इट्स मैच्योर इनफ तो वो बाहर जाके दे सीक फॉर द फीमेल, तो वो उससे फाइटिंग और बाकी जो लड़ाई झगड़े वाले जो इश्यूज हैं वो ज्यादा आते हैं। और हमारे पास आजकल ये केसेस भी बहुत ज्यादा हैं कि जानवर बाहर से लड़के आए, वो कहीं छत पे लड़ रहा होता है तो वो छत से गिर जाते हैं स्ट्रे कैट्स की वजह से, किसी खिड़की पे है, किसी दरख्त से है, तो जब गिरते हैं चोट लगते हैं या तो फ्रैक्चर्स कॉज होते हैं या मेजर इंजरीज कॉज होती है, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करती है, डैमेज कॉज करता है, नेल स्क्रैच होते हैं या बाइटिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रीट टूवर्ड द डेंजरस लाइफ थ्रेट्स की तरफ जाता है। तो न्यूट्रल आपको मेल कैट्स को करवा देना चाहिए, वेरी 4 to 5 months की एज पे हो जाना चाहिए। अगर आपका मेल कैट बहुत ज्यादा मेच्योर भी हो गया, ओके इट्स आफ्टर 1.5 years ये मेच्योर जब हो जाते हैं दैट स्टार्ट पीइंग, आपको स्प्रे करने लग जाएगा हर जगह, yes, तो स्मेल कॉज करता है, तो उसके लिए आपको लिटर यूज करने चाहिए। लिटर क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ऑन अ डेली बेसिस, ट्वाइस अ डे। ठीक है, ठीक है। कब कब रेगुलर चेकअप्स के लिए जो है हमें अपने पेट को लेकर जाना चाहिए, वीक में कितनी दफा, मंथ में कितनी दफा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि हम इनसे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता इंटरनली उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो उनको इंटरनली फेस करनी पड़ती हैं। मूविंग टू राना मोहम्मद अशरफ साहब, हम बात कर रहे हैं खेलों की, किस तरीके काम किया जा सकता है, खेलों की प्रमोशन के लिए काम किया जा सकता है। नॉट ओनली क्रिकेट और हॉकी, बहुत सारे और खेल हैं जिनको प्रमोशन की बहुत जरूरत है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी अपनानी चाहिए और उसके साथ साथ फंड्स पर कैसे काम किया जा सकता है, बजट कितना होना चाहिए ताकि खेलों को जो है वो फ्रोग मिल सके। लेकिन अगर हम अच्छे एथलीट की बात करते हैं तो उसमें कौन सी क्वालिटीज होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? मैडम उसमें जैसे हम ओपन ट्रायल लेते हैं, जैसे अंडर 16 है, अंडर 19 है, तो क्रिकेट के इसी तरह डिफरेंट गेम के हम ट्रायल लेते हैं, तो उसमें अनाउंसमेंट की जाती है डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे। तो बच्चे आते हैं ट्रायल देने के लिए, जो मैनेजमेंट होती है या जैसे सिलेक्शन करने वाले लोग, तो हमारे यहाँ सिफारिश कल्चर है, जो टैलेंटेड लोग आते हैं तो वो रह जाते हैं, पर्ची चल जाती है, तो मैंने कॉल कर दी, सर ने कॉल कर दी, आपने कह दिया तो आपके जाने वाला, ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए, ये नहीं मेरिट पे होना चाहिए। जो बच्चा मेरिट पे आएगा ना वो बच्चा जरूर ओलंपियन भी बनेगा, पोटेंशियल को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। जी जी, उसके अब ये राशिद नदीम साहब हैं जो मियां चन्नू से हमारे, उसको किसी ने इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं की, वो ओलंपिक में वो टैलेंटेड था, उसने अपना टैलेंट शो किया, पाकिस्तान में शो किया, फिर ओलंपिक में शो किया। इसी तरह जब लोग बच्चे आते हैं तो फिर नामीद होके वापस चले जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ सिफारिश कल्चर है, हम दोबारा वो नहीं आएंगे। अपने बच्चों को भी फिर अपने भाई रिलेटिव को भी बताते हैं कि पाकिस्तान में मैरिट नाम की चीज ही नहीं है। कि हमारे बच्चों को गैजेट से, मोबाइल से दूर करें, स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आए, पार्क्स में लेके जाए, स्पोर्ट्स करेंगे तो बच्चा उस तरफ आएगा। जी मैडम, घर होम लेवल से हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते, अपने माएँ और बाप जो है मोस्टली पेरेंट्स मेल तो बाहर होते हैं, माएँ जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, यस टीवी पे गेम्स लगा देती हैं, ग्राउंड भी नहीं है, ग्राउंड नहीं है बच्चों, ग्राउंड भी नहीं है स्पोर्ट्स के। तो आज 99% जो हमारे यहाँ बीमारियां इंक्रीज हो रही है उसकी रीजन क्या बनी, हमने स्पोर्ट्स के ग्राउंडों को छोड़ दिया, स्पोर्ट्स को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। पेरेंट कहते हैं कि एक बच्चे को मैंने कॉल की, आपका कंपटीशन है, तो वो कहता है मेरे पापा कह रहे हैं क्या तुम स्पोर्ट्समैन बनेगा, छोड़ अपनी स्टडी कर। एग्जैक्ट, ये चीजें हमारे माशरे में स्पोर्ट्स को लोग वैसे जुर्म समझते हैं, ब्रेन के लिए हेल्थ होना बहुत जरूरी है, सेहतमंद जिस्म होगा तो सेहतमंद दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा फुकदान है कि स्पोर्ट्स को बुरी नजरों से देखते हैं। मैडम वजह ये भी है कि वो कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, तो पेरेंट भी तो कहते हैं टाइम वेस्ट है, उसकी रीजन है गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे काम करें, हर गेम का प्लेयर को इंटरनेशनल टूर होने चाहिए, उनको पता चले हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम मुल्क के लिए नाम रोशन करेंगे, तो इस तरह क्रिकेट के अलावा सारी गेमों को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारे स्टार जरूर बड़े टैलेंटेड है, पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, बस अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है, प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बहुत आगे चाहिए। कि ये ना विलेज सिस्टम से शुरू करे, यूनियन लेवल से शुरू करे, तहसील से, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डिवीजन, ऐसे जब ये सर्कुलेट होगा तो प्लेयर खुद ब खुद हमें मिलना शुरू हो जाए।
आता नहीं गांव के लोगों तक, तो ये पैगाम ही नहीं जाता कि हमारा पंजाब लेवल गेम हो रही है, पाकिस्तान हाँ। लेवल गेम हो रही है। जब वो ट्रायल वगैरह हो जाते हैं बेचारों को, तब तक मौका दिया जाएगा तो काम सामने आएगा, काम सामने आएगा तो मुल्क की पॉजिटिव प्रोजेक्शन होगी। 70% मैं कहता हूँ 85% लोग हमारे गाँव से प्लेयर तैयार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी जो सेहत होती है बड़ी एजेंटिक होती है, वो बैडमिंटन अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, जैसी खुराक होती है तो वो बड़े अच्छे हरकत में बरकत जी, हरकत में बरकत। बिल्कुल खालिद जट साहब की तरफ हम मूव करते हैं और इनसे हम बात करें शोबिज के हवाले से, ड्रामास के हवाले से, थिएटर की सूरत हाल के हवाले से। अब हम बात करते हैं आर्ट्स काउंसिल की, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल से कितनी सपोर्ट हासिल है? अभी आपने ड्रामा कॉम्पिटिशन की बात की तो कैसा रहा? बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुल्तान आर्ट्स काउंसिल को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसे चाहिए कि वो एक्टरों को सपोर्ट करे, हाँ करते रहना चाहिए, वो एक्टरों को भी सपोर्ट करे थोड़ा सा, और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में ऐसे इवेंट करवाएं जो फैमिलीज के लिए स्पेशली हो, तो वो भी रहे हैं, हो रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है ये। और मैं ये चाहता हूँ कि ड्रामे की मॉनिटरिंग के हवाले से ना कोई ऐसा बंदा ड्रामा मॉनिटर करे जो चेक करता है ड्रामा, जिसको ड्रामे की हॉर्नों के बारे में थोड़ा सा पता हो। बिल्कुल मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के पास बड़े अच्छे हैं ऐसे, मिसाल के तौर पर कोई रिटायर एजुकेशन से बंदा लिखा दे, कोई प्रोफेसर, कोई राइटर या कोई डायरेक्टर, ऐसा बंदा ड्रामा जिनको नॉलेज हो, जिनको नॉलेज हो, जिनको ड्रामे के बारे में पता हो। और रह भी नहीं गया ना सर, लोग देखना भी नहीं चाहते, लोग फलसफे वाली साइड पर, अदब वाली साइड पर रह ही नहीं गए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन ये है कि अगर ड्रामा किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है, अब भी हो सकता है, उसकी छोटी छोटी चीजें जिन पर काम करने की जरूरत है। हमारी ये खुशबख्ती समझ लें, खुशकिस्मती समझ लें, जवाहर बलोच हैं अपने, यूसुफ कामरान हैं, एजाज चंदा, बड़े टैलेंटेड किस्म के डायरेक्टर हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इन लोगों के दरमियान काम कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपर जैसे मैंने कहा कि ड्रेसल का टाइम नहीं देते एक्टर, अब तो ये मुल्तान आर्ट काउंसिल में जो फेस्टिवल का ड्रामा हमने विन किया उसकी 15 दिन ड्रेसल हुई है, 15 दिन और अच्छा प्ले हुआ, और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, और लोगों ने ये कहा है कि हम यूं ही देख रहे थे उस ड्रामे को कि जैसे टीवी पे चल रहा है और हम देख रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, रिहर्सल बहुत जरूरी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, साल के आखिर दिन पर आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और जो भी इश्यूज हैं उम्मीद करते हैं कि वो इश्यूज जल्द अज जल्द खत्म हो जाएंगे और चीजें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और आपको मिलवाएंगे और मेहमानों से जो कि हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर हाशमी साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका तारुफ, चूंकि मैं बड़ी जल्दी में थी तो राना करीब को सैयद हसन शिराजी कहते हैं। अलामा सैयद हसन शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि नया साल शुरू होने वाला है 2022, और आज इस साल का आखिरी रोज है जो कि हम साथ साथ गुजार रहे हैं, हम साथ मौजूद हैं। और मुनीर हुसैन हाशमी साहब सदारती अवार्ड याफ्ता नाचवा हमारे साथ मौजूद आज हमारे प्रोग्राम में, और हम बात करेंगे कि नए साल को जो हमने शुरू करना है, इसका आगाज करना है, कैसे करना चाहिए, क्या चीजें हम पर लागू होती हैं, किन किन चीजों का हमने ख्याल रखना है। पहले जरा मुनीर हुसैन हाशमी साहब से जरा बात कर लेते हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता नाचवा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है ना? बड़ा अल्लाह सुरू का करम है, अल्लाह का एहसान है, आपको पहले मुबारक हो यहाँ इस सीट पे आने की। बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला ये साल आइंदा जो आने वाला है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए खैर बरकत का साल हो, इसमें अल्लाह करीम तमाम अफात बलिया से सबको महफूज रखे, और हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं अल्लाह ताला उसको बेहतर फरमाए, हमारे लोगों को बेहतर फरमाए, और जो बेरोजगारी है, ये जो बीमारियां हैं, अल्लाह करीम मौला अली पाक के सदके, पंजन पाक के सदके, तमाम मुल्क के हालात को बेहतर फरमाए।
आमीन इलाही आमीन। अलामा सैयद हसन शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको जिन पर हमने बात करनी है और बहुत सारी चीजें जो हमने जाननी है और उन पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होगी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत, मैं जरा जल्दी जल्दी में काफी दफा जो है वो गलती हो जाती है। अपना टीवी स्टेशन है हमारे हमारे रोही हमारा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपने तआवुन किया, क्योंकि जरा जल्दी में हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमसे स्किप हो जाती हैं, लेकिन जो है वो हम माजरत कर चुके हैं। अलामा सैयद हसन शिराजी साहब जिन्होंने आज हमें वक्त दिया है और हम इस वक्त का जो आपने दिया है हमें और आप यहाँ पर मौजूद हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपका, इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने मसरूफ रूटीन से हमें थोड़ा सा वक्त दिया है। बात करेंगे नए साल को शुरू करने के हवाले से। वैसे तो हर दिन नया दिन है, हर रात के बाद हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, सुबह आती है और एक उम्मीद जागती है कि आज से जो है वो चीजें बेहतर करनी है। और नया साल जब शुरू होता है हर किसी की एक अलग एक्साइटमेंट होती है, नए गोल्स होते हैं, नई चीजें जो हमने शुरू करनी, नए इरादे, नए फैसले, लेकिन उनको शुरू कैसे किया जाना चाहिए, इस साल का इख्तिताम कैसे करें? हजरत मोहम्मद मुस्तफा का फरमान आलीशान है, हासिबू कबल अंत हासिबू, कि अपना खुद जो है हिसाब करें, जांच पड़ताल करें इससे कबल के आपकी जांच पड़ताल की जाए। तो कोई भी नया दिन शुरू करने से पहले अहकाम शरीयत में है कि रात को जब आप सोएं तो अपने दिन को अपने सामने लेकर आएं कि आपने कल जो गुजारा है दिन उसमें कैसे काम सर अंजाम दिए, कि आपने खुदावंद कुद्दूस के हुक्म के मुताबिक वो दिन गुजारा या मुखालफत में गुजारा, अपनी ज़ौफ की वजह से मुखालफत में गुजारा ये अपनी सुस्ती और काहली की वजह से। तो इसी तरह एक दिन को ले लें, एक माह को ले लें, या एक पूरे साल को ले लें। तो सबसे पहले जब नया कोई भी साल हिजरी साल शुरू होता है, कमरी होता है या शमसी कोई भी साल शुरू हो, क्योंकि कैलेंडर हैं मुख्तलिफ चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपने गुज़श्ता दिन गुजारे हैं वो किस तरह गुजारे हैं, किस तरह गुजारे, उसमें आपने क्या क्या जो अपने अपने लिए हर लिहाज से, माली लिहाज से, मौशी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, इरफानी लिहाज से, इल्मी लिहाज से, जो आपने मकासद और जो एक अपने आपने अपना हदफ तयन किया था कि आपने वो पूरा किया या ना किया, और किया तो कहाँ तक किया, जब वहाँ तक आप आ जाएंगे कर लिया, तो उसके बाद हमें ये हक पहुँचता है कि हम जब नया साल का कोई भी कैलेंडर का आगाज हो तो खुशी महसूस करें और एक दूसरे को मुबारकबाद मुबारकबाद दें। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये साल जो है चूंकि ईसवी साल है, शमसी साल है, तो मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। कोई इसमें हर्ज नहीं है मुबारक देने में, मुबारक का या मुबारक का क्या मतलब क्या है कि खुदा इसमें बरकत डाले, बेहतरी करे, बिल्कुल। मुबारक हम जब भी मुबारक कहते हैं, मुबारक हो आपको बेटा, मुबारक हो आपको बेटी, मुबारक हो आपको घर मुबारक, तो क्या कि इस चीज में अल्लाह आपको बरकत दे, तो वो ईसवी साल हो खुदा उसमें भी बरकत दे सकता है, वो हिजरी साल हो उसमें भी बरकत दे सकता है, तो हम एक दूसरे को खुले दिल से मुबारकबाद दे सकते हैं। रहा बात के उसमें खुशी मनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया कल्चर ग्लोबल विलेज बन गया, पूरी दुनिया खुश हो रही है, हाँ जी, पूरी दुनिया खुशी हो रही है, तो क्या एक मुसलमान बहसियत मुसलमान या बहसियत पाकिस्तानी या बहसियत जनूबी पंजाब का बाशिंदा होने के मैं खुशी कर सकता हूं या ना? तो यहां मेरा जवाब जरा मुख्तलिफ होगा कि हम खुशी नहीं कर सकते, ये जो नया साल है इस पर खुशी नहीं मना सकते। क्यों खुशी नहीं मना सकते? ठीक है, अहले यूरोप जो है वो खुशी मना सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं, वो उस पर खुशी कर सकते हैं कि हमने पिछले साल ये हमने गोल अचीव किए हैं, अगले साल हम ये करेंगे तो हम खुश हैं। मैं एक बहसियत पाकिस्तानी या बहसियत मुसलमान, मैं किस चीज की खुशी मनाऊं? मैं इस चीज की खुशी मनाऊं कि मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा रहे, मैं इस चीज की खुशी मनाने नए साल की खुशी किस चीज पे मनाऊं? मैं इस चीज पे मनाऊं कि जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो है कोई भी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है, इस चीज की खुशी मनाऊं? मैं क्या साइंस में कोई मैं हमने कामयाबी मिन हैसुल कौम या मिन हैसुल फर्द मैंने कोई कामयाबी कर ली है कि मैं नए साल की खुशी मनाऊं कि ये वाला साल मैंने बहुत अच्छा गुजार दिया पिछला, अब अगला इससे भी अच्छा गुजारूंगा तो खुशी, तो मेरा साल तो हर साल पिछले साल से बुरा जा रहा है, तो मुझे खुशी नहीं मनानी चाहिए बल्कि अपना हिसाब करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि पिछले साल में मैंने क्या क्या कोताहियां की हैं, अगले साल मैं उन कोताहियों से इज्तनाब करके तरक्की की जानिब, और जब तरक्की की दिनें तय करूंगा तो फिर खुशी मनानी चाहिए, वो साल ईसवी हो कोई भी साल हो। तो तरक्की याफ्ता जो कौमें होती हैं वो अपने साल खत्म होने पे या साल शुरू होने पे नहीं खुशी मनाती, वो खुशी मनाती अपनी कामयाबी पे, वो कामयाबी आज हासिल करें, वो कल करें, वो नई दिन पे हासिल करें, वो नए साल के नए दिन पे हासिल करें, तो कामयाबी पे खुशी होती है।
मसजिद सरा इस्लाम में शरीयत मुतहरम है, हमें खुशी मनाने को कहा गया है, ईद उल अज़हा है, यौमुल जुमा है, यौमुल जुमा खुशी मनाने का कहा गया है। किस लिए खुशी मनाने का कहा गया है? क्योंकि आज के दिन अल्लाह रहमत करते हुए आपके हम जैसे ज़ईफ लोगों के आमाल कबूल करते हैं और हमारी तौबा को कबूल करते हैं और जन्नत की वईद सुनाते हैं। तो इस वजह से हम जुमे वाले दिन खुश होते हैं, ईद उल अज़हा को खुश होते हैं, शब कद्र खुश होते हैं, ईद उल फित्र। तो इन तो खुशी किस चीज़ की? कामयाबी मिली है कि हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, उसने हमें अपने बंदों में शुमार किया है, हमें जन्नत की खुशखबरी दी है। तो जब भी कामयाबी होगी खुशी होगी। अगर हमारा पिछला साल कामयाब है मिन हैसुल कौम मिन हैसुल फर्द मिन हैसुल वतन तो हमें खुशी होनी चाहिए, और अगर कामयाबी नहीं है तो वो खुशी का मकाम नहीं है, रंज का मकाम है। लेकिन मुबारक देने में कोई हर्ज नहीं कि अगला साल कुल्लू आम इन वंतुम बखैर अरबी में कहते हैं हम मुबारक, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पॉजिटिव साइड थी, द ब्राइटर साइड, कि अगर कोई शॉर्टकमिंग्स रह गई, अगर कोई चीजें थी जो हम अचीव नहीं कर सके, जो टारगेट थे हम अचीव नहीं कर सके, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक अ फेलियर हमें उन पर काम करना चाहिए। सेल्फ अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है, तो हम इस पर जरूर बात करेंगे कि कैसे हम इस चीज को रेक्टिफाई करें, कैसे इस चीज को ठीक करें, कि हम अगर एक चीज को अचीव नहीं कर सके तो बजाय कि हम अंधेरे में चले जाएं कि मैं एक फेलियर हूं, मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सकी, हम थोड़े जज्बाती हैं, हम बहुत सेंटिमेंटल हैं, हम इतने जज्बाती हैं कि हम बहस मुबाइसे में तो पढ़ सकते हैं लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और अल्लाह की रहमत मुख्तलिफ शक्लों में है, इल्म की शक्ल में है, हिल्म की शक्ल में है, मुख्तलिफ शक्लों में अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। कोई भी अगर नाकामी है तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से नाकामी होती है, तो वो जो वजूहात हैं उन वजूहात को नज़रअंदाज करके, वो वजूहात ख़त्म करके हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी वजह है किसी भी कौम या किसी भी फर्द या किसी भी मुल्क की नाकामी की, वो वजह है कम इल्मी जाहिलियत। हमें अगर इल्म का रास्ता अख्तियार करें, इल्म की तरफ मुतवज्जा रहें, इल्म हासिल करते रहें, तो कोई मसला नहीं है कि आपको नाकामी जो है आपका इस्तकबाल करे। कभी भी जो साहिब इल्म अफराद होते हैं या कौमें होती हैं वहाँ, उनको कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता, हमेशा कामयाबी उनके कदम चूमती है। एक तो हो गया इल्म। इल्म वो चीज़ है कि जिसका शरीयत मुताहरा में सबसे पहले हुक्म दिया गया है, क्योंकि कुरान की जो सबसे पहली रिवीलेशन वही हुई, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, के पढ़ो, हुक्म दिया गया पढ़ाई का। उसके बाद हजरत अमीर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली दो जहां, उनके फरामीन है उतलबुल इल्म वलव बिस्सीन, उतलबुल इल्म मिनल महद इला लहद, बहुत ज्यादा जो है जोर दिया गया और जो है शौक दिलवाया गया कि इल्म हासिल करें। तो जब भी कोई कौम या फर्द इल्म की तरफ रागिब हो जाता है तो तमाम कोताहियां जो किसी भी कौम में या किसी भी फर्द में होती है जो उसको नाकामी की तरफ लेकर जाती हैं वो जायल हो जाती हैं। सबसे जो कामयाबी की कुंजी है वो इल्म है। हम जब भी कोई कौम इल्म की तरफ रागिब हो जाएगी तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी। तो बहसियत फर्द, बहसियत मुआशरा, बहसियत कौम, हमें इल्म की तरफ रागिब हो जाना चाहिए। और ये जो लोग हैं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, वो ये कहते हैं कि जब भी आप गुर्बत की चक्की में पिस रहे हो, नाकामियों की चक्की में पिस रहे हो, तो आप हर तरफ पांव नहीं मार सकते, आपको एक रुख मुतय्यन कर लेना चाहिए, उस पर काम करते रहें, उसमें कामयाब हो गए तो बाकी हालात भी आपके दुरुस्त हो जाएंगे। तो वो सिवाय इल्म के रास्ते के और कोई रास्ता नहीं है। आप इल्म के रास्ते पर चले जाएं, आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी, आपकी बेसब्रापन खत्म हो जाएगा, आपकी अखलाकी अकदार अच्छी हो जाएंगी, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता इल्म की नूर की बदौलत दुरुस्त होती जाएगी। इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, शऊर होना बहुत जरूरी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मुनीर हुसैन हाशमी साहब की जानिब मूव करते हैं, और इस सेट पर मॉर्निंग शो पर आपसे पहली दफा मुलाकात हो रही है, शुक्रिया। तो आप जरा क्या आज हमें सुनाना चाहेंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे जुमे का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मेरे पे खास नाम ये किया हुआ है कि उसने अपने महबूब की सनाखानी के लिए मुझे मुंतखब कर दिया। इससे मेरे लिए बहुत बड़ा कोई इज़ाज़ नहीं हो सकता। तो उन्हीं की नस्बत से, उन्हीं के कर्म से मैं हुजूर की बारगाह अकदस में हज़िया इनात पेश करने के साथ दर्ज करूँगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दफा सुना आपको, लेकिन यहाँ पर बैठ के आपको सुनने वाली जो एक कैफियत है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अंदाज, अदायगी, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा। बुजुर्गों से तो यही सुना है कि जिस काम में अदब नहीं है ना, वो काम पाया तकमील पे नहीं पहुँचता। बेशक, चूंकि नाज खानी एक वो सिलसिला है, चूंकि मेरा तो ईमान है वो खुद सुनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिनको हम याद करते हैं उनकी तवज्जो हम पे होती है। बेशक, जब आपकी तवज्जो हो तो उसके लिए अदब का महलूज खाद रखना बहुत जरूरी है। बहुत करूंगा कि जो लफ्ज जुबान से निकलते हैं ना वो सिर्फ समाज को टकराते हैं, और जो लफ्ज दिल से निकल रहे हैं वो अगले की रूह पे असर करते हैं। तो उनके अल्फाज जो हैं वो दिल से निकल रहे होते हैं, रूह पे असर कर रहे होते हैं। भाई ये उनकी करम नवाजी है, इस नाचीज को मुंतखब किया हुआ मेरे लिए बहुत बड़े करम की बात है। मेरी दीन भी इसी में है, मेरी दुनिया भी इसी में है, मेरा ईमान भी इसी में है। बहुत खूब, उनकी मोहब्बत में, उनकी आल की मोहब्बत में, उनके असहाब की मोहब्बत में, उनके क्या क्या करम नवाजियां बताऊं कि उनकी करम नवाजियों से वो इनायात नसीब हुए सदका नाथ खानी का कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। बहुत हो, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि हमारे वर्ल्ड के बहुत अच्छे नाथ खान के जिन्हें उशाकन रसूल ही सुनते थे, वो आम लोगों का नाथ खान नहीं था, खाजा हसनैन साहब, वो पिछले दिनों अल्लाह को प्यारे हो गए। नाथ खानी के असलूब से पढ़ने वाला, अदब से पढ़ने वाला, कलाम को देख के पढ़ने वाला ऐसा नाथ खान अभी तक हमारी नजर में नहीं आया। यंग थे, 45 साल की उम्र में उनका विसाल हो गया, लेकिन पूरी दुनिया में अल्लाह करीम ने ऐसे उसके नाम के चर्चे किए। हजूर की आल का वो बहुत मदार था, और जिसने ये दामन पकड़ लिया उसको यहाँ भी खैर है, उसकी वहाँ भी खैर है। बहुत खूब, अलामा साहब की जानिब वापस बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस साल का इख्तिताम कैसा होना चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और जिस नए साल में हम एंटर होने जा रहे हैं, नया एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है, नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, बहुत सारे इरादे हैं, बहुत सारे फैसले हैं जो हमने ले लिए हैं या अभी भी लेने हैं, तो किन चीजों का, किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अपने साथ साथ अपनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, इस पर आप क्या पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? यह जो जमाना गुजर गया उस पर तो सिर्फ हसरत ही की निगाह से देखा जा सकता है, उस पर तो कोई हम तब्दीली कर नहीं सकते, ये कर लिया होता, उस पर तो हम तब्दीली कर नहीं सकते, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो हमारे हाथ में है, उसको हम बना सकते हैं, उसको बिगाड़ सकते हैं। जो माजी है उसे सिर्फ एक फायदा है कि हम सबक सीख सकते हैं कि माजी में हमसे क्या गलतियां हुई और उनके हमने नुकसानात क्या उठाए, गलती कितनी थी, उसका खमियाजा कितना भुगता, गलती का जो था लेवल वो किस लेवल की गलती थी और उसका जो फिर हमें नतीजा मिला वो कितना बड़ा था। हाँ। तो हम माजी सिर्फ और सिर्फ हम सबक सीखने के लिए तो है, इसके अलावा माजी का हमारे पास जो मुस्तकबिल के हवाले से कोई जो है मकाम नहीं है। तो जब भी हम हर शाम, क्योंकि ये इसी तरह समझ लें कि पिछले साल का इख्तिताम उसकी रात आ गई है, तो हम वही है कि हिसाब करेंगे कि पिछला साल हमने किस तरह गुजारा, उसमें क्या कामयाबियां समेटी और क्या नाकामियां हमारे दामनगीर हुई। बिल्कुल ठीक, सबसे पहले। उसके बाद जो जिंदगी गुजारने का असलूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया वो ये है कि अहकामात खुदाबंदी की जिस तरह खुदा ने हुक्म दिया उसके मुताबिक उस पर अमल देना, जिंदगी वैसे ही गुजारी जाए। और हम इस पर बात करते हैं, तफसील से हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में, और एक दफा फिर से आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ आज जो है वो इस साल का आखिरी रोज है, और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया हुआ है अलामा सैयद हसन शेराजी साहब ने, जो कि हमें बता रहे हैं कि इख्तिताम कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, और नए साल में एंटर होते हुए भी
कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। और दूसरी जानब बहुत ही खूबसूरत आवाज रखने वाले बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मुनीर हुसैन हाशमी साहब सदारती अवार्ड याफ्ता नात हों, जो कि अभी नात पेश कर रहे थे, हमने सुनी। बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत अदायगी, जितनी तारीफ की जाए जितना बोला जाए आपके लिए वो कम है। अलामा साहब से हम बात कर रहे हैं नए साल के हवाले से, और अगर हम अपने दीन की जानिब एक नजर डालें तो नया साल कैसे शुरू किया जाना चाहिए? इसमें जो है सबसे पहले जिस बात का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें और इसमें इख्तलाफ है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि नए साल जो है वो उन तवारीख में आ जाता है जो मजहबी लिहाज से हम खुशी नहीं थे, मतलब मुहर्रम के अयाम में, जैसे अब भी अयाम फातिमा में आ रहा है ये वाला भी। तो एक तो सबसे पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने इस्लामिक कैलेंडर के साथ मुतसादिम ना हो तो हम खुशी मना सकते हैं, जिस पर हम बात। उसके बाद कि खुशी किस तरह मनानी चाहिए कि नया साल शुरू हो रहा है, अक्वामे आलम के साथ मिलके हमें खुशी किस तरह मनानी चाहिए। अच्छा, सबसे पहली और बड़ी ईद या फतह जो इस्लाम को हासिल हुई वो फतेह मक्का थी। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वरा इताना सैयद खुलून फीदिनल्लाह अफवाजा फसब्बे बिहम्द रब्बिका वस्तगफिर हो, ये पहली ईद थी जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में अल्लाह ने मुसलमानों को अता की, इस्लाम को नुसरत इस्लाम हुई, फतेह मक्का हुआ, खाने काबा पर मुसलमानों का गलबा हो गया। उस वक्त खुदावंद कुदूस ने क्या फरमाया अपने रसूल मुस्तफा को, फसब्बह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिर हो, कि अल्लाह की तस्बीह बयान करें और इस्तगफार, जो अपनी ज़ौफ की वजह से हम नादानियां कर बैठते हैं उसके लिए इस्तगफार तलब करें, खुदावंद कुदूस आपको माफ कर देगा। तो खुशी मनाने का अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को क्या तरीका दिया है, वो ये तरीका है कि अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर उसकी तस्बीह करें और इस्तगफार तलब करें। ये इस्लामिक तरीका, पहला तरीका। उसके बाद खुशी के कौन से हमारे पास इवेंट आते हैं, यौमुल अजहा आ जाता है, यौमुल फितर आ जाता है, ये दो। अच्छा, ये किस तरह मनाने चाहिए, इसमें फिर एक और, इसमें खुदावंद कुदूस कहते हैं कि जदीद लिबास पहने, मोमिनीन मुसलमान से मुलाकात करें और इबादत खुदा सर अंजाम दें। ये इस्लामिक खुशी के तरीके हैं जो इस्लाम हमें खुशी मनाने के तरीके बताता है। अब जो हम मना रहे हैं खुशी वो बिल्कुल उलट उसकी हो जाती है कि हम लोगों को तंग करके खुशी महसूस करते हैं। मसलन मेरे बेटे मेरे भाई मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकालते हैं और वो मतलब मरीज हैं, कोई तालिबे इल्म है जिसका सुबह पेपर है, वो बेचारे तंग होते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम का इशू आ जाता है। जब भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा की बेसत मुबारक का जिक्र हुआ है कि इनकी बेसत हजरत मोहम्मद मुस्तफा की हुई क्यों, तो पहला आया हुआ युज़क्की हिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, के सबसे पहले उन्हें तरबियत करने के लिए वो आए हैं। वयु अल्ले मुहमल किताब के तालीम देने के लिए वो दूसरा दर्जा है। अहमियत क्या है, तरबियत की। तरबियत, तो आप जब भी कोई काम करें उससे आपकी तरबियत झलकती है। आप खुशी मनाएं, ऐसी खुशी मनाएं कि किसी दूसरे को परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, वो आपकी खुशी में फिर खुश होगा। अगर मैं कोई ऐसी खुशी मना रहा हूं कि मेरा हमसाया परेशान है तो मेरी खुशी में खुश नहीं होगा, परेशान होगा, तो मैं ऐसी खुशी मनाऊं जिससे उसको परेशानी ना हो। तो खुशी इस तरह की मनानी चाहिए कि आपका हमसाया, आप जिस रोड से गुजर रहे हो या जो काम सर अंजाम दे रहे हो खुशी में, उससे दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, वो दूसरे आपके हमसाए हों, गैर मजहब के लोग हों, गैर मसलक के लोग हों या कोई भी हों, वो आपके पाकिस्तानी हैं, वो आपके हैं, उनको तकलीफ ना हो आपकी किसी भी हरकत की वजह से। तो खुशी इस तरह मनानी चाहिए। दूसरा है कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारनी चाहिए कि शरीयत मुतहर मुहम्मदी को वायलेट नहीं करना चाहिए, जो भी आप खुशी मनाते हैं उसके दायरा के अंदर रहते हुए। हालात तो अब यहां तक चले गए हमारे मुआशरे, क्या कहा जा सकता है इस पर कि जब ईदैन आती हैं जो बहुत ही मुतबर्रक दिन है, तो उस दिन भी इस तरह हम ईद मना रहे होते हैं कि लगता है कि हम शरीयत मुहम्मदी से आशना नहीं है। यानी कि ये तो फिर हमारा त्यौहार ही जो न्यू ईयर है हमारा इस्लामिक त्यौहार नहीं है, हमारा इस्लामिक त्यौहार जो खुशी मनाने का है। अच्छा, अब उसमें भी जो खुशी मनाने के तरीके हैं वो वाजे हैं। नमाज ईदैन, यानी कि सबसे पहले खुशी का क्या है कि नमाज ईदैन पढ़ें। तो खुशी जब भी आपने अदा करनी है आप अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए जो है वो नमाज पढ़ें, ये यानी कि शुक्र अदा करना है। जब भी आपने खुश होना है आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि ये खुशी आपने अता की, हमने पिछला साल बहुत अच्छा गुजारा और अगले की उम्मीद करते हैं कि इससे भी अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र इस पर अदा करना चाहिए, सजदा रेज होना चाहिए। एक हो गया। दूसरा, हजरत इमाम अली मकाम हजरत अली मुर्तजा का
कौल गरामी बहुत बार बार जहन में आ रहा है कि उन्होंने फरमाया कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है, हर उस दिन वो खुशी मना सकता है जिस दिन वो कोई गुनाह ना करे, खुदावंद कुद्दूस की हुक्म अदूली ना करे, वो उसके लिए ईद का दिन है। तो वो चाहे जो है दिसंबर की आखिरी रात हो, वो उस वक्त भी खुशी मना सकता है अगर गुनाह ना किया हो, वो दिसंबर की वो जनवरी की पहले दिन को भी खुशी मना सकता है अगर उसने गुनाह ना किया हो। खुशी तो हम किसी वक्त भी मना सकते हैं, वो बिल्कुल इसके साथ यानी कि न्यू ईयर नाइट के साथ मुख्तस नहीं है या 1 जनवरी के साथ मुख्तस नहीं है, वो हमारे अपने आमाल के साथ मुंसलिक है कि हम कभी भी खुशी मना सकते हैं। जो दिन हमारा इताते खुदा में जो खर्च हो गया दिन, हम उसकी खुशी मना सकते बिल्कुल हैं। बेशक बहुत खूबसूरत बात, और हर दिन खुशी का दिन है जिस दिन हमने कोई गुनाह ना किया हो। ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, पॉइंट बहुत अच्छा आपने ऐड किया है। मुनीर हुसैन हाशमी साहब के जाने मूव करते हैं, और अब आप क्या हमें सुनाएंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैं आरज़ूए मदीना अलहाज मोहम्मद अली जोहरी कसूरी साहब की लिखी हुई नाशरी चंद अशार, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंपोजिशन बनाने के भी मुझे वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में बहुत ही खूबसूरत नात जो मुनीर हुसैन हाशमी साहब पढ़ रहे थे, हमने बहुत खूबसूरत महसूस किया आपकी आवाज सुन के, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा जितनी तारीफ की जाए कम है। और अलामा साहब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी इनकी जब भी नात सुनते हैं और खुसूसन रोही पर, तो ये उसमें रंग जो है जदीद आ जाता है जब रोही पर ये पढ़ते हैं। तो रोही का हिस्सा बन चुके हैं अब आप लोग, बिल्कुल हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोही को ये इजाज़ हासिल है ना जी कि ये वाहद वो चैनल है जिसमें अल्लाह रसूल का जिक्र और उसकी आल का जिक्र बहुत मोहब्बत से किया जाता है। इसे कैसे भूला जा सकता है? ये भूला जा नहीं सकता। और दूसरा सबसे हमारे जनूबी पंजाब की आवाज है रोही, जनूबी पंजाब की आवाज हमारी आवाज है, इस वजह से हमें मोहब्बत है इस चैनल से। बिल्कुल हमें भी मोहब्बत है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वक्त निकाल कर हमारे पास आते हैं और इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी बातें हमसे हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं। अलामा सैयद हसन शिराजी साहब जो कि हमारे साथ मौजूद है, नए साल के आगाज पर किन किन चीजों का ख्याल रखना है, खुशी कैसे मनानी है और एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है, इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जुम्मा है, जुम्मे की अपनी एक फजीलत है, मुबारक दिन है, और अब आज साल का आखिरी रोज भी है, जुम्मा भी है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुरान करीम की आयत है सूरह बकरा की कि वयसअलूनका अनिल अहिल्ला, के ए मोहम्मद मुस्तफा आपसे पूछते हैं अल्लाह हलाल नए चांद को कहते हैं, तो उनको कह दें कि या मवाकीतुल्लिन्नास वल हज, कि ये लोगों के लिए टाइम टेबल है और हज बताने के लिए है, यानी कि आपको शेड्यूल बना, ये जो नया चांद या नया साल या नया माह दाखिल होता है ये आपको शेड्यूल बताने के लिए होता है कि आपने कब क्या काम करना है, जिसको हम टाइम टेबल कहते हैं कि ये मंथली टाइम टेबल है, ये साल का टाइम टेबल है। और जो है सुन्नत नबी सलामुल्लाह से ये भी होता है कि जब भी नया चांद आता था तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए दो जहां इस्तकबाल करते थे, और दुआ बड़ी मशहूर है अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान, कि ये जो नया चांद दाखिल हुआ है ये हमें अमन के साथ हमारे पर दाखिल हो, हम इसमें अमन के साथ दाखिल हों, ईमान के साथ दाखिल हों, इस्लाम के साथ दाखिल हों और शैतान से महफूज रहें। और एक और दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही सनतुन जदीदुन अंतल कदीम, ए खुदावंद कुद्दूस ये तूने नया साल हमें अता किया है लेकिन तू खुद कदीम है कि तेरी हद ही कोई नहीं, तू कब से है ये सवाल ही भेजा है। तो इसमें क्या कहें कि हमें जो है अपना नफ्स अम्मारा जो हमें बुराइयों की तरफ फेरता है उस पर काबू देने की तौफीक अता फरमाइए, यानी कि वो दुआओं के तराजम है, और हमें ऐसे कामों में मशहूर रख के जो हमें तेरी कुर्बत में ले जा सके, हम तेरी तरफ मुतवज्जा रह सकें, और हमें शैतान से महफूज फरमा। अच्छा, शैतान भी मुख्तलिफ किस्मों में है, शैतान जिनों में भी है, इंसानों में भी है, बिल्कुल बिल्कुल ये हकीकत है, दोनों तरह के जो है वो कुल औज़ु बिन्नास मलिक इन्नास इलाह इन्नास, या जो इंसानों में है उनसे भी महफूज फरमा और जो जिनों में है उनसे भी महफूज फरमा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या एक और दुआ है जदीद साल की, या मुकल्लब अल-क़ुलूब वल-अब्सार, ए दिलों को और निगाहों को अच्छाई की तरफ फेरने वाले और दिन और रात को तब्दील करने वाले,
हव्विल हालना इला अहसन हाल, के हमारा जो हाल है हम तेरे बाशिंदे तेरे बंदे दो हाल है हमारी अच्छी हाल की तरफ जो है ये तब्दीली का। तो जितनी भी दुआएं हैं यानी कि ये हमारे शरीयत मुताहरा में है कि नई चीज का इस्तकबाल करना, मगर खुसूसन वो जो माह मुबारक रमजान हो गया या और ऐसे मुबारक माह हो गए उनकी तो है ही, उसके अलावा भी हर जो पहला चांद है उसकी यानी कि इस्तकबाल करने का पूरी दुआ है पूरे अमाल है। इसी तरह माह मुहर्रम जब नया तो उसकी पूरी रात की इबादत है सारी, तो इस्तकबाल यौम जदीद या इस्तकबाल साल नौ की रिवायत हमारी शरीयत मुकद्दसा में पाई जाती है। अच्छा, अब चूंकि ग्लोबल विलेज हो गया तो अगर ये हम जो है कमरी साल को भी इस्तकबाल करें तो कोई ऐब नहीं है, किसी किस्म का ऐब नहीं है। और फिर वही बात आ जाती है कि इस्तकबाल करना किस तरह है, अच्छी प्लानिंग के साथ पिछली जो कोताहियां हैं उनको भुला के उनसे सबक सीख के वो कोताहियां आगे ना करें। और सबसे जो अहम तरीन है, जो भी हमने काम करना है वो सबसे पहले खुदाबंद कुदूस के लिए, शरीयत मुताहरा के लिए, और उसके बाद ममलिकत पाकिस्तान और उनके आहलियान के लिए, उनके लिए हम फायदा मान लो, ना कि हम कोई ऐसा काम करें जो हमारे महल्ला वाले हमारे शहर वाले हमारे मुल्क वाले उनके लिए नुकसान का बायस न बने। हम जो भी काम करें उनके लिए फायदा मंद हो, जब उनके लिए फायदा मंद होंगे, हम ये समझते हैं कि इबादत जो है खुदाबंद कुदूस की वो सिर्फ नमाज और रोजा है नमाज और रोजा सबसे बड़ी इबादत है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं अगर हम सिर्फ खुदा वंद कुदूस के लिए करें तो वो इबादत में शुमार हो जाते हैं। मसलन एक मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है, खुदा वंद कुदूस ने वाजिब किया उसके अहलो याल के लिए कि वो उनके लिए कमाए उनको हलाल रिज़्क़ दे, तो वो इबादत कर रहा है। कोई दुकानदार है वो दुकानदारी कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो खुदा वंद कुदूस ने सर वाजिब किया है कि वो रिज़्क़ हलाल कदत बन जाएगी। कोई बंदा अपने बच्चे को अपने बच्चों को प्यार से बोसा देता है तो हदीस रसूल मकबूल है कि उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। वो अपना बच्चा समझ के उसको बोसा नहीं दे रहा, वो उसको खुदावंद कुद्दूस की मखलूक समझ के बोसा दे रहा है। अब जब वो अपने अहलोयाल को भी खुदावंद कुद्दूस की मखलूक समझेगा तो वो तमाम जो भी लोग उसके आस पास होंगे उनको भी वो बराबरी की सतह पर देखेगा, तो मुआशरा जन्नत बन जाएगा। तो हम अगर अपनी जिंदगी ये अहद कर लें कि साले जो गुजश्ता था वो तो गुजर गया, जब साले नौ आ रहा है जदीद आ रहा है, हम खुदावंद कुद्दूस ने जो शरीयत मुताहरा हजरत मोहम्मद मुस्तफा पे उतारी है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे या खुदा के लिए सिर्फ खुदा के लिए जिंदगी बसर करेंगे तो वल्लाह ये हमारा पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे जगमगा उठेगा। सिर्फ सिर्फ इतना करना है कि खुदा के लिए काम करना है, बंदों के लिए नहीं करना, शोहरत के लिए नहीं करना, जातरबी के लिए नहीं करना, कुछ काम अपने लिए नहीं करना, सिर्फ खुदावंद कुद्दूस के लिए करना है। जब खुदावंद कुद्दूस के लिए हम काम जो भी करेंगे तो खुद ब खुद उसकी बरकत आ जाएगी। बिल्कुल, खुद ब खुद उसकी बरकत आ जाएगी क्योंकि अल्लाह के लिए करना है, खुदा के लिए करना है। और दूसरा एक छोटी सी, एक हम प्लानिंग करते हुए ना नऊज़ु बिल्लाह हम खुदावंद कुद्दूस की जात को भूल जाते हैं, हम अपने कवा पर इनहसार करके प्लानिंग करते हैं, हमारी आंखें तो दीवार के पार नहीं देख सकती, हमने मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग करनी है। अब जो भी मुस्तकबिल की प्लानिंग करें खुदावंद कुद्दूस पर तवक्कल करते हुए करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करें तो खुदावंद कुद्दूस की इस्म की बरकत से वो आपकी प्लानिंग पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, बेशक जी बेशक। हम नात की जानिब चलते हैं और जब हम नात सुन लेंगे मुनीर हुसैन हाशमी साहब से तो फिर प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा और इख्तिताम के बाद हम आपसे दुआ भी जरूर पढ़वाएंगे नए साल की दुआ, तो नात पहले सुन लेते हैं। शुक्रिया जी, दो तीन इशारों से करता हूं। जी खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इख्तिताम होता है प्रोग्राम का, प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम सुनेंगे दुआ, दुआ पढ़वाएंगे नए साल की दुआ और अमल भी करने की कोशिश करेंगे जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो चीजें हमने अपनी जिंदगी में शामिल करनी है उन पे, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अमल भी करना है। आपसे मुलाकात होगी अगले साल और अगले साल तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, महजूद नाजुक को इजाजत दें और ख्याल के साथ एहतियात भी करें। अल्लाह हाफिज। اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أنت الإله القديم وهذه سنة جديد فصلك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بها يقربني إليك يا كريم يا كريم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا إماد من لا إماد له ويا ذخر من لا ذخر له ويا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا سند من لا سند له يا كنز من لا كنز له اللهم صل على محمد وآل محمد يا میرے آقا يا میرے مولا يا میرے پروردگار یہ سال جو ہماری زوف کی وجہ سے ہم نے تیرے
हुजूर गुनाह किए हमारे जोफ की वजह से है, उनको अपनी दरगाह से हमारे लिए दरगुजर फरमा। मेरे आका मेरे मौला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा। नया साल हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए तरक्की का साल हो, नया साल अवाम पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती का साल हो, नया साल हम सब पाकिस्तानियों के लिए इल्म और तरक्की का साल हो। मेरे आका मेरे मौला हमारे गुज़श्ता जितनी लफ्जिश हैं उनको अपनी दरगाह में उससे दरगुजर फरमा और हमें नेकी की और अपनी राह पर चलने और उस पर इस्तकामत इसे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल मुस्तफा व आल मुहम्मद व अज्जल फरजहुम।